पिछले 2 सालों से इंतजार करो इस वक्त का जो कि आज है। 3 या 4 घंटे बाद रिजल्ट आ जाएगा। 12-13 घंटे रहते हैं और अब मुझे महसूस हो रही है घबराहट। मुझे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा था, इवन कितने पेपर सॉल्व किए होंगे मेरे ख्याल से कोई 7 और 8 किए होंगे, जिससे ज्यादा मैं नहीं कर सका। 20 में से सिर्फ 7-8 लगते हैं जी ठीक है, बाकी पे तुक्का ही चलता है। ये सिचुएशन चल रही है फिलहाल, लेकिन खुद को दिलासा दे रहा हूँ बार बार क्या ऑलवेज वेल ऑलवेज वेल। ये देखें, ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैंने भी किए हैं और वहां से मैंने चेक किए हैं मेरे कितने ठीक हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आज है वो घड़ी जिसका मुझे बहुत अरसे से इंतजार था। पिछले 2 सालों से इंतजार करो इस वक्त का जो कि आज है। कल एमपीटी का टेस्ट है और ये सब टाइम हो चुके हैं, मैं पौने 12 हो गए हैं और सुबह। और यार इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, यकीन जाने ग्रुप्स में 10 बजे तक का टाइम है, 10 बजे वो रिपोर्टिंग टाइम है और 10:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा जो कि 2 बजे तक चलेगा और शाम को 3 या 4 घंटे बाद रिजल्ट आ जाएगा और पता लग जाएगा कि मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत है या फिर फारिग करवाऊँ। मेरा सिविलियन कॉलेज में सेंटर बना है तो कल मैं कोशिश करूँगा कि 8:30 बजे घर से चला जाऊँ, तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा जाने में, तो 9 बजे वहाँ जाके पहुँचूंगा और घंटा दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन करूँगा। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 10 बजे के बाद मैं मतलब 9:45 बजे मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल बंद कर दूंगा, कुछ भी नहीं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपने सेंटर चला जाऊँगा, वहाँ पर पेपर करूँगा। तो बाकी का मैं आपको कल दिखाता हूँ कल क्या करना है। अभी एमपीटी जब कल पास हो जाएगा ना, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अब आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि आगे सिर्फ 4 बार रह गए हैं और आगे की प्लानिंग फुल सेट है। लेकिन स्टिल यार एक एंड पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस वक्त घबराहट, पहले तो मैं अपने आपको हौसला दे रहा था कि नहीं नहीं मैं घबरा नहीं रहा, लेकिन 12-13 घंटे रहते हैं और अब मुझे महसूस हो रही है घबराहट। मुझे पेपर वाली फीलिंग होती है ना कि भाई अगले दिन पेपर पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना मुश्किल आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, बिकॉज एमसीक्यूज आर ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड, कहीं से भी आ सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह खैर। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा था, यकीन जाने कि पिछले 3-4 दिनों से, बल्कि ऑनेस्टली इतना तो हफ्ता हो गया, महसूस ही नहीं हो रहा था कि सीएस की तैयारी हो रही है, क्योंकि सारा जोर जो था ना वो एमपीटी के ऊपर था और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर था। मतलब मैंने तकरीबन कितने पेपर सॉल्व किए होंगे मेरे ख्याल से कोई 7 और 8 किए होंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सका, और एक दिन में 2 और उसके बाद दिमाग की बत्ती फुल टाइम को, दिल नहीं करता था पढ़ने को, लग ही नहीं जाता यकीन जानो यार कि सीएस की तैयारी हो रही है। और जितने मर्जी आप एमसीक्यू कर लो, जितने मर्जी कर लो, आप एटेंड जब आप पेपर देखते हो ना, 20 में से सिर्फ 7-8 लगते हैं यार जी ठीक है, बाकी पे तुक्का ही चलता है, हो सकता है ठीक हो सकता है ना हो। तो ऑब्जेक्टिव का यही सबसे बड़ा मसला है कि जितने मर्जी आप तैयार कर लें, आप यू विल नेवर नो कि क्या आ सकता है, क्योंकि ये एक इन्फिनाइट है। आज भी मैंने 2 पेपर सॉल्व किए हैं, तो अब मैं थक गया हूँ यार, मैं मतलब मैथमेटिक्स कर करके थक गया हूँ और बाकी ऑब्जेक्टिव याद कर करके थक गया हूँ, करंट अफेयर्स के, पाक अफेयर के, इस्लामियत के, हाँ इस्लामियत थोड़ी सी भी बेहतर है, और मेरी इंग्लिश के प्रेपोजिशन के करेक्टर फॉलोइंग सेंटेंसेस और ये वाला पोर्शन मेरा बेहतर है, कॉम्प्रिहेंशन वाला बेहतर है, और कौन सा अच्छा है मैं आपको बताता हूँ। सिनोनिम एंटोनिम बिल्कुल अच्छे नहीं है, और इस्लामियत का मैंने खूब सारी बहुत अच्छा है मेरा, पाकिस्तान अफेयर का जो हिस्ट्री है वो बड़ा अच्छा है, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है करंट अफेयर्स के अंदर, चंद एक हैं जो अच्छे हैं, एक पाक एमसीक्यू एक वेबसाइट क्या वो एक एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करें, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। और यार इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, यकीन जाने ग्रुप्स में इतना मटीरियल है, इतना मटीरियल है, यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, जो जो एमसीक्यू है यार करी जा रहे करी जा रहे, ये भी पकड़ो ये भी ये भी ये भी, तो दिमाग की ना दिमाग फुल थक जाता है इतना काम कर करके। अब बस इंतज़ार है कि बस पेपर ख़त्म हो, कल हो जाए पेपर। और सच बताऊँ तो मुझे कुछ इतना समझ नहीं आ रहा कि हो खुद को किस तरह से हौसला देना चाहिए, दोस्तों से बातें कर रहा हूँ ताकि ध्यान ज़रा बढ़ जाए, कुछ मूवीज़ में देखने लग जाता हूँ, लेकिन भी एकदम याद आता है यार पेपर है कल, भाई मूवी देख रहा है तो मैं साथ ही बंद कर देता हूँ। बहरहाल 1-2 वीडियोज़ मैंने अलग से देखी हैं जिनसे ध्यान थी वो इन्फॉर्मेशन की, लेकिन ज़रा ध्यान बढ़ाने के लिए, वो एमसीक्यू से रिलेटेड नहीं थी। तो लेकिन अब जैसे ही वो वीडियो खत्म होती है फिर एकदम जेन में आता है यार कल पेपर है भाई क्या कर रहा है, टाइम को जाया कर रहा है, फिर दोबारा कोलकाता। ये सिचुएशन चल रही है बहरहाल, लेकिन खुद को दिलासा दे रहा हूँ बार बार क्या ऑलवेज वेल ऑलवेज वेल। कितना काम दे सकते हो यार, एक जो नेचुरल प्रेशर है ना वो रहना ही है, वो आप उसको नहीं हटा सकते, स्टिल ऑलवेज वेल। ये देखें, ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैंने भी किए हैं और वहाँ से मैंने चेक किए हैं मेरे कितने ठीक हुए हैं, और इसमें मेरे यार 64 ठीक हुए हैं, ठीक है, बाकी मेरे मतलब 64 मैंने 115 अटैम्प्ट किए थे, इसमें 64 मेरे ठीक थे और मुझे पास होने के लिए 35 चाहिए थे, मतलब 33% मुझे चाहिए थे, तो अच्छा। और ये पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था मैथमेटिक्स की सारी, और ये तो खैर वो है, ये फिर वहाँ पे हम क्या नाम है अकेडमी में कर रहे थे इस तरह की प्रैक्टिस, तो बहरहाल मैथमेटिक्स पर ज़्यादा फोकस रहा था क्योंकि 60% पेपर वहीं से आना था,
तो वो करते रहे हैं और ये इस बुक को मैंने फॉलो किया, ठीक है। ये असदुद्दीन साहब की किताब है, हाईली रिकमेंडेड है, अच्छी है यार, काफ़ी अच्छी लिखी है। और यहीं से मैं सारी अपनी जो है ना वो तैयारी वगैरह की है, और कल एक दफ़ा इसको दोबारा देख लूँगा। मुश्किल तो बहरहाल उम्मीद है कि पेपर मुश्किल नहीं आएगा, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब है ना, इसलिए उम्मीद है कि मुश्किल नहीं आएगा। लेकिन आप सीएसएस की सबसे बड़ा मसला सीएसएस का ये है कि यू विल नेवर नो कि क्या हो सकता है, इट इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल। और ये एक कुछ एमसीक्यू से ये सॉल्व किए आज के दिन, क्योंकि आज लास्ट डे है ना, आज की डेट मुझे भूल गई है यार, आज 1 अक्टूबर है, पता नहीं मैं क्यों डेट्स भूल जाता हूँ। अच्छा तो ये कुछ किए, बस यार मैं थक गया हूँ। Thank you.